राम राम किसान भाइयों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एस के एल नॉलेज में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो कद्दू यानी लौकी की खेती होती है वो किस प्रकार से करें और किस प्रकार से हमें इसकी देख रेख रखनी है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी किसान संबंधित जानकारी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। जैसा कि किसान भाइयों, हमारे यहाँ एक किसान भाई ने यहाँ पे लौकी की यानी कद्दू की खेती कर रखी है और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने पौधे को लगभग 1.5 से 2 फुट की डिस्टेंसिंग पे लगा बीज को लगाया हुआ है और ये तकरीबन 25 से 30 दिन का हो गया है। और इन्होंने इसमें क्या किया है कि छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली हैं, उसी के किनारे किनारे इन्होंने यहाँ पे अपने बीज को गड़ा दिया। अब ये लगभग 25 से 30 दिन का पौधा हो गया है और ये तैयार होकर बिल्कुल बहुत ही अच्छे ग्रोथ पे है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ना तो कोई रोग लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम पौधा जो है स्वच्छ और अच्छी ग्रोथ ले रहा है। इसमें किसान भाइयों, पानी कि जितनी आवश्यकता होती है उतनी आप नाली में छोड़ सकते हैं, जितना आपको पानी देना है उतना आप दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।